अरे देख मुनीम। ऐ मुनीम जी, कैसे हो? देख ना रहा तेरा आंखना कैसा हूँ। मुनीम जी, तेरा बाबूजी है या निकल लिया? साले का लपड़ मार दूंगा जो मेरे बाबूजी के बारे में ऐसा कही तो धूम उठा दूंगा। चल क्या निकल हुआ मुनीम जी? सोनू बाबू के बारे में उल्टे सीधा बोल रहे हैं। ए भाई, तुम्हें शर्म ना आती उस इंसान के बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे हो जिसके आस पास के गाँव में इज्जत है? गलती हो गई। गलती हो गई, सोनू बाबू को पता चल गया, सुधार देंगे। चलो हिसाब भी भुलवा दिया। अच्छा तुम सारे एक हो रहे हो, मुझे दबाना चाह रहे हो। सोनू से कह के तुम्हें सीधा करवाऊंगा। अरे सोनू बीच में कहां से आ गया? अच्छा सालो, मुझे अकेले देख के दबाना चाह रहे हो? मैं तो सोनू से कहूंगा यार गलती होगी, माफ कर दे, आ गले लग जा। आ मुनीम जी, इतना सारा सामान ले जा रहे हो, घर में कोई भंडारा वंडारा कर रहे हो क्या? अरे ना, सारा सामान घर में जावेगा। घर में तो तुम दो आदमी हो, और इतना सारा सामान क्यों? ओ लाला, फालतू की बात ना करा, मेरे सोनू बाबू को कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और तुझे इस बात से क्या मतलब? इस सामान को गाड़ी में भरवा के घर भेज देना, और सुन भाड़ा नहीं देने का। ठीक है मुनीम जी। एक दो तीन चार पाँच छ ले। ठीक है ठीक है लाला, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अरे छोटू। हाँ भैया। सामान पैक करके गाड़ी में रखवा दे। ढंग से करा कर, कलमा मत बोला कर। ठीक है ठीक है ठीक है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अरे छोटू ये ले लिस्ट, सब पैक करके मुनीम जी की गाड़ी में रखवा दे। ठीक है, जल्दी कर फटाफट। ओए चमचे, कौन बोला बे? कौन सा बोला? हम ना बोले भाई, आकाशवाणी हो रही है भाई। मैं सब जानू तुम्हें सालो, थारी शिकायत सोनू भाई से करूंगा। अरे तेरी की, ऐसा गजब मत कर दियो भाई, माफ कर दे हमें। ना मैं तो कहूंगा कहूंगा। यार ये लंगड़ा उसका खास यार है, अपना एटीएम बंद करवाओगे तुम? अरे बाबू, एक रात में क्या चला गया? तुमने ये हाल कर लिया अपना? चलो उठो। क्या हाल बना रखा, कमाल कर रखा, उठो। अरे मुनीम जी, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे ये कोई लेटने की जगह नहीं है बाबूजी, बिस्तर पे लेटाता हूँ, आओ बेड पे लेटेंगे, उठो। रात हो गई क्या? रात नहीं, दिन हो गया है। दिन हो गया है तो मुनीम जी हमें कुल्ला तो करवा दो, रात तो खाना खाने के बाद हमने कुल्ला ही नहीं किया। बैठो, पानी लेकर आता हूँ, संभल के। अरे तीन सा तो नहीं लग रहा यार। लो पानी पी लो। अरे मुनीम जी ये क्या पिला दिया, जहर, पट्टा तो चढ़ जान दो। जहर तो मैं पी रहा हूँ। अरे यार मुनीम जी, तुम तो जानते हो मैं सुबह को भी शराब से ही कुल्ला करता हूँ, जाओ मेरे लिए शेरनी का दूध लेके आओ। हाँ अब तो ये काम बचा है, जाओ लाएंगे जी, दूध लाएंगे शेरनी का। क्या आदमी है यार। लो जी दूध पियो। मुनीम जी दिन तो अब लिख रहा है। निकल गया दिन, चलो खड़े हो।
आओ चलो। तुम कहाँ चल दिए मुनीम जी? मैं बड़े बाबूजी के पास होकर आता हूँ। ये 10 लाख रुपए बाबूजी गिन लो। अरे मुनीम जी, अगर मैं अपनी दौलत गिनने लगा तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। खैर कुछ और बताओ। ठीक है जी। तेरा छोटा बाबूजी कैसा? रोज सुबह कुल्ला करते हैं जी। अरे वो मरेगा क्या? कोई लड़की वड़की का चक्कर तो ना है? समझाओ उसे। देख लूंगा, सबको देख लूंगा। अरे यार बिल्लू, किसको देख लेगा तू? इन सबको, गांव वालों को देख लूंगा, सबकी लंका लगा दूंगा। तू चल मेरी गैल, चल तो सही। अरे तू इसे पी और दिमाग ठंडा रख। सोनू तू यहीं बैठ, मैं सालों को अभी सुध कर गया। अरे थम जा, मैं भी चल रहा हूँ तेरी गेल। ना ना, तू यहीं बैठ, मैं सालों को सुध कर के आऊंगा। तुझे बचा ले रहा हूँ। उन्हें सुधारना है। सुधारना? मैं तो आज लठ्या दूंगा उन्हें। अरे रुक, तू एक काम कर, इसे और पी, फिर चल रहे हैं दोनों। ले पीस है। चल अब खड़ा हो, चल रहे हैं दोनों। ले भाई, लठ्या दिए इसने तो, पर हमें तो गांव का राउंड मारना ही पड़ेगा और गांव का ख्याल भी रखना। लत्ते बदल लूं। माता जी प्रणाम। ठीक हो? बाबा जी राम राम। ठीक हो? हाँ जी। राम राम जी सबको। राम राम जी। राम राम। ठीक हो ताऊ जी? जी तरह बेटा बना रहे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम राम जी। बाबूजी ठीक हो? ठीक है, ठीक है। चाचा राम राम। हमारे छोरे ने डाकती कर ली, एकदम खरा सुना। जिस दिन बिगड़ गया ना साले की गर्दन उड़ा दूं। हमने उसे संस्कार दिए, नुआवारा ना बनाया उसे। ओए डॉक्टर बन गया हमारा छोरा। चाचा ही तो अच्छी बात है, डॉक्टर बन गया, मारे काम आएगा, पूरे गांव के काम आएगा। डॉक्टर कराई है, सारे गांव की सेवा का ठेका ना ले रखा हमने, पैसे कमाने को बनाया डॉक्टर से। हाँ प्रधान जी। बस अपना जो है गांव का मामला है, इनकी लड़की की शादी है, उसके बारे में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम जी राम सबको मेरी राम राम, 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 राम जी राम राम। क्या चल रहा है? बस मंगू की बेटी की शादी है, उसी बारे में बात कर रहे हैं। हो जाए चंदा पानी ले, कुछ गरीब आदमी भला हो जाएगा उसका कुछ। क्या फैसला करें? जो आपका फैसला होगा वो मंजूर होगा। प्रधान तो आप हैं, तो आप ही फैसला करो। नहीं आप भी सोनू भाई मशवरा दो, ऐसी बात नहीं है, आपके मशवरा मानेंगे। कभी आप सोनू भाई गलत फैसला नहीं लेते। तो रुको, तो मैं जरा अकेले में सोच के आता हूँ। Oh,
देख भाई मंगू, तेरी लड़की की शादी बिल्कुल नहीं रुके, क्योंकि इस गांव की हर लड़की हमारी बहन बेटी है और उनकी लाज बचाना हमारा काम है। तो एक काम करिए, मेरे घर जाके मुनीम से 2,00,000 रुपए ले आइए और अपनी लड़की की शादी धूमधाम से कर। सुन भाई, जो आपका फैसला है हमें मंजूर है, और जो हमसे सबसे मिलके होगा हम भी करेंगे सब कुछ, ठीक है? अच्छा जी, जयराम जी की। ये बहुत बढ़िया फैसला है जी, सोनू ने बहुत बढ़िया काम करा जी। मुनीम जी, दारू मिठी है। मिठी? मैंने तो लोगों से सुना बहुत कड़वी हो। हम कह रहे हैं ना मिठी है, पता है क्यों? पूछो तो सही मुनीम जी, क्यों? क्यों मिठी है जी? क्योंकि दिल टूट जाने के बाद हर मीठी चीज कड़वी लगती है, हर कड़वी चीज मीठी लगती है। बस बहुत ज्यादा हो गई, अब मत पियो। लाओ इस बोतल को, मैं ठाए कर रख दूं। अबे हट, तेरा काम है पिलाना और मेरा काम है पीना। इस बार बिना पानी के पैक बनाओ मुनीम जी। दादा आप खाना खा के सो जाना, हम चलते हैं। बाबूजी आपको भी तो खाना खाना है। संभल का सोनू बाबू, संभल का। अरे मुनीम जी यार, क्या कर दे हो तुम। अरे मुनीम जी। हाँ सोनू बाबू। एक पैक हमारे सिरियाने तो रख दो, हमें सुबह कुल्ला भी करना। आप सो जाओ, मैं रख दूंगा। अरे मुनीम जी, यू क्या कर रहे हो तुम? यो आपका काम थोड़े ना है, लाओ मुझे दो, मैं करूं। मुनीम जी कुल्ला तो कर लिया, आप चाय पीने का मन कर रहा है। मुनीम जी रात कुछ फेर कह दिया कि मैंने, मुझे माफ कर दो, आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे दोस्त, मेरे हम सफर, मेरी आस की। काम की बात करो सोनू बाबू। काम काम मेरे लिए छोड़ते ही कहाँ हो, सारा तो आप ही कर लेते हो। मतलब? मतलब का मुझे के पता, मैं ठहरा पियक्कड़, आप ही समझाओ मुझे। मार के समझाऊं या प्यार से? जैसे चाहो। अरे पगले रुलाएगा क्या, चल खड़ा हो। अच्छा मैं चलता हूँ। मुनीम जी कहाँ चल दिए? मैं आता हूँ। मेरी हंडिया तो दे दो। ठीक है मैं लाता हूँ। अरे तू कहाँ चला जमीन के कागज लेके? मुझे हॉस्पिटल खोलना, हॉस्पिटल। अरे तू इसलिए पढ़ा है लिखाया जो पूर्वजों की जमीन बेचेगा? दिखा इन्हें। तुम्हें क्या पता कि अमीर कैसे बना जाता है? सोनू भाई को लाता हूँ बुला के। सोनू भाई तेरे चाचा का लड़का हरिओम जमीन बेच रहा। जमीन? जमीन तो मैं बिल्कुल नहीं बिगड़ दूं। चलो मुनीम जी। ओहो ये संस्कार है तेरे।
भैया तुम इस मामले से दूर ही रहो। भैया भी कह रहा और दूर भी रहूं। सोनू समझा इसे। जानता है जमीन हमारी माँ होती है और तू उसे बेचने जा रहा है। मुझे हॉस्पिटल खोलना है। हॉस्पिटल कितने पैसे चाहिए? क्या? अरे कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। मुनीम जी चेकबुक लाओ हमारी। सोनू बाबू। मुनीम जी पेन दो। ले साइन कर दिए और 10 की जगह 12 भर लियो। सोनू बेटा। चाचा मैं हूं। आज तू भी दगा दे रही है, मैं पी रहा हूं और तू चढ़ नहीं रही है। अरे तू ना रूठ हमसे अंगूर की बेटी, एक तेरा ही तो सहारा है, पर तुझे क्या हो गया? कहीं तुझे भी तो मुझसे प्यार ना हो गया है। तू मजाक ना कर, सब कुछ कर, पर मुझसे प्यार ना कर। तू मत नाच पगली, प्यार हो जाएगा, एक बार मुझे हुआ था तुझे भी हो जाएगा। अरे मैं तो सह गया, तू नहीं सह पाएगी पगली। नहीं, अरे सच पगली, तो तू सुन मेरी कहानी, पर ये ना कहना कि मैं भी पागल हो गई। क्या कर रही हो तुम? कौन है तू? चला जा यहाँ से, मरने दे मुझे। मरना है तो कहीं और जाके मर, मारे गांव में क्यों मर रही है? तू है कौन? जा यहाँ से। छोड़, छोड़। सोनू बाबू है कौन? ये कैसे हो गया सोनू बाबू? चलो जल्दी डॉक्टर में चलो। अरे चुप करो मुनीम जी, पर यू लड़की थी कौन? ये लड़की तो मैंने कभी ना देखी। तुम चलो डॉक्टर में जल्दी। हैं? यार ये लड़की कर क्या रही है वो? हाथ हटाओ तुम। सबे तो खान पीन के शौक लगे हैं, तुझे ही मरण का शौक कहाँ से लग गा? मुझे मर जाने दो। पर बात क्या है? है कौन तू? बेर बेर मरण की कोशिश क्यों करे है तू? अरे क्या हुआ यू? जरूर भाग रही होगी। अरे चुप कर, छोरी का चोट लग गई। इसका पैर फिसल गया। क्या कह रहा? अरे चाची जा रही होगी कहीं, पैर फिसल गया, गिर पड़ी हूँ। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? कुछ ना, मैं छत पे टहल रहा था, मैंने देखी फिसलती हूँ तो इस मार में आ गया। अरे चुप कर, छोरी को अंदर ले चल।
करमजली मेरे भाई की किस्मत में कहां से लिखी थी, नसीब फोड़ दिए बिल्कुल। तुझे मरना है या भागना है, अपने घर जाके करिए। हमारी इज्जत को बट्टा मत लगाओ यहाँ, हमारी बहुत इज्जत है इस गांव में। क्यों भबक रही है, चुप हो जा। ऐसा है, इसे यहाँ ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, इसे इसके घर छोड़ आओ, नहीं तो ये नाक कटवा देगी सारे गांव में हमारी। मैं छोड़ आऊंगा, हमारी इज्जत न रखने की बिल्कुल भी। मुनीम जी खाना लियाओ जल्दी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। लाया? हाँ जल्दी लाओ पतली गली से। लो सोनू बाबू खाना खाओ। अरे मुनीम जी अचार नहीं लाए क्या? जल्दबाजी में छूट गया, लेके आऊं? नहीं कोई बात नहीं, किस दिन ऐसे भी ठीक है। अरे यार वो लड़की कहीं मर ना गई हो, अगर मैं किसी को बचाना सका तो मेरा जीना भी बेकार है। पर मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ, ना नाम पता ना फोटो। हाँ पर वो नवादा काम की है, चलो ढूंढते हैं उसे। सोनू बाबू पहला खाना तो खा लो। मुनीम जी आप खा लो, मैं भी आया। अब आया? अभी तक तो पेट में चूहे कूद रहे थे, लट्ठे दे रखा था मेरा, अब मैं खाना ले आया तो अचानक छोड़ के चले गए। चलो नहीं, मैं भी इनके आने के बाद खाना खाऊंगा, इंतजार करूंगा। अरे भाई सुनियो। बताओ। थारे गांव में एक लड़की है जो मरना चाह रही है, उसका घर कौन सा है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है या ना? मरे तुम्हारे गांव की लड़की, हमारे क्यों मरे? जाओ निकल जाओ, बक्कल सा बन जाएगा नहीं तुम्हारा, इज्जत से ही चले जाओ। जाओ मेरे यार, माफ कर तू, भला ऐसा भी किसी आदमी से पता पूछा जा? एक टांग से तो बेकार हुई, दूसरी टांग से भी बेकार करवाएगा। अरे तो और कैसे पता करूं? मैं पूछूंगा, मेरे साथ चल तू। चल बैठ, चल चलना मेरे यार, यहीं खड़ा रहेगा। रुक 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 रुक, तू थम जा, मैं पूछूंगा। पूछ। बाबा जी राम राम। राम 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 राम। बाबा जी थारे गांव की लड़की उषा जो बहादुरपुर में भी आई। अच्छा। है उसका घर कौन सा? अच्छा प्रधान जी का। हाँ। चले जाओ तीसरे वाली गली में, समय लास्ट का पड़ेगा। ठीक है बाबा जी राम राम, राम। चलोगे? हाँ चलो, और यहीं खड़ा रहेगा। कहाँ जा रहे हो? भैया यू वो क्या? घर बहुत सुंदर है, हम तो इसे देख रहे, हम भी ऐसी बनवाएंगे। निकल यहाँ से, देख लिया तुम्हारी खाल बढ़ देंगे। अरे ये वही लड़की दिखे जो मरना चाह रही। तू मरना क्यों चाह रही है यू? तू फिर आ गया मेरी मौत का दुश्मन, तू चला जा यहाँ से। चला जाऊंगा पर पहले नू बता तू मरना क्यों चाह रही है? तू है कौन, क्यों बताऊं तुझे? मत बता पर मरण मैं भी ना दूं। रोक के दिखाइए तू मुझे, हर बार आ जावे मुझे बचाने को, पता ना है कौन। रोक मुझे तू आज, मैं भी देखूं। पता ना कहां था आ गया। आखिर इसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो मरना चाहवे? मरण मैं भी ना दूं इस पगल को, पता करके रहूंगा कि ये मरना क्यों चाहवे। पर करूं क्या, ऐसा ना हो कि इस दुनिया से निकल जावे, पता तो करके रहूंगा।
पर मरण में भी ना दूसरे। मुनीम जी, जिएंगे तो यार की गैल, मरेंगे तो यार की गैल। अरे हमारे तो खून में वफादारी बसी हुई है, वैसे भी हमने सोनू बाबू का नमक खाया, हलाल करने का वक्त है, करेंगे। और मुनीम जी तुम एक बात तो सुनो, ये अपने बाल साल ना कलर कर लियो, वहां जवान से दिखने चाहिए, बुड्ढे को कौन नौकर रख रहा है। और हाँ बैग कहाँ? यूरिया। अरे यू बैग ना, कपड़े लेते तो चाहिए, वहाँ कपड़े लेते ना पहनने के। अच्छा एक काम करो। हाँ यहीं रुको, मैं अभी लेके आया। ठीक है। क्या बात है, अरे उतर। अबे साले मेरी लंगड़ी टांग की तो शर्म कर ले, पहले ही से उतरने दे, उतर दे। 20 बार कह दी इस टांग को डॉक्टर से ठीक करा ले, मानता नहीं। साले मैं तुम दोनों को ही नाप दूंगा, जिस काम को आए उस काम में लग जाओ। सोनू बाबू तुम चिंता मत करो, उस काम को तो हम पूरा करके जाएंगे। पंकज तू एक काम कर, गाड़ी ले जा घरो, और गांव का थोड़ा सा ध्यान रखे, हमें कुछ दिन यहाँ रहना है। ठीक है। और मैं जब भी फोन करूँ, जिस टाइम भी जहाँ भी बुलाऊं, हाजिर हो जाइए। ठीक है सोनू। और गाड़ी घोड़ा ध्यान में रखिए। अरे ये सोनू बाबू मरवाएंगे। चलो देखते हैं इस बुड्ढे को कहाँ आयु। अरे बहुत टाइम हो गया, घर भैंसे भी प्यासी हैं। चल महावीर, काम तो सब तुझे ही करना है। अरे यू कौन पड़ा? अरे अरे इसे तो दो रोपोरा पड़ गया दिखा है। अजीता में क्या हो गया था यू? भाई बहुत पुरानी बीमारी है, आज बचा लिया तुमने, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। अजी इंसान ही इंसान के काम ना आवे तो इंसानियत कैसी? भाई तुम कहाँ के हो, कौन हो, मैंने पहले नहीं देखा तुम्हें। अजी बस नू समझ लो परदेसी है। भाई मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ तुम्हारी? अजी हमारे दौरे तो सब कुछ है, हम सबकी मदद करें, क्यों सोनू बाबू? अजी कुछ काम मिल जाता तो पसीना बहा के हम भी कुछ कमा खा लेते। भाई क्या काम जानते हो तुम? अजी मुझे घर के काम आवे, अरे इन्हें खेत क्यार के ढोर जाएंगे डोगे। भाई मुझे भी ऐसे आदमी की जरूरत थी। चलो चलो जी। यो घर है वो घेर है, अब तुम सफाई कर लो, मैं लाली को स्कूल से ले आऊं, समझ गए? आपकी सफाई ठीक है। ठीक अच्छा है। जी तुम आराम साजी हो। ए भाई तुम उस घेर के काम को देखो और मैं जरा इस घर को देख लूं। अच्छा चल भाई चल भाई चल। चले जाओ यहाँ से, जाओ।
सपना था या सच? और ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार, तने तो घर चमका दिया। हाँ जी दीदी, मैं आ गई। अच्छा आ गई तू? ए, कौन है तू? हमारे घर में कैसे आ गया? अरे बेटा, इसे मैं लेकर आया हूँ घर के काम के लिए। और बताऊँ, अगर आज यो ना होता ना, मैं ना होता, इसने मेरी जान बचाई है। चल पारुल। बेटा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जी सोनू है। अच्छा सोनू बेटा, एक गिलास पानी ला दे। ठीक है। साला कह रहा था तीनों साथ रहेंगे, अपने आप तो आसकी करता फिर है, हमें यहाँ डांगरों में मार गया। ओए मेरे सोनू बाबू, कुछ मत कह दिए, एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करने का मैं। बाबू होगा तेरा, मेरा तो यार है यार। अंधे साले को, साले की घेंट में डंडा सरकाऊंगा। चल जल्दी से भैंस को पानी पिला दे। मैं क्यों पिलाऊं? तू पिला। पिला दे वरना सोनू से कह दूंगा। सोनू से कह दूंगा, सोनू से हमें पिलाएंगे भाई। बाबू जी तुम बैठो, बैठो नवाब जी। बैठूंगा ना। बाल्टी कहाँ चली गई मेरी? बेकूफी है ससुरा। हिसाब साफ कर रहा था, अब इनका पिसाब साफ करना पड़ रहा है। कोई नहीं बाबूजी, तुम खुश रहो, हम झेल लेंगे। ये की प्यास लग रही है? बिल्कुल, ले पी ले, रुक जा, नींबू डालो इसमें। क्या चावे तू? हाँ क्या चावे? तुझे क्या लाये? तू मुझे बचा लेगा? तू मुझे मरने क्यों ना देता? क्यों मरने ना देता? आखिर तुम मरना क्यों चाहती हो? सुनेगा तू मैं क्यों मरना चाहूं? तो सुन, मेरे कल मरने से अच्छा है कि मैं आज ही मर जाऊं। आखिर हुआ क्या? मेरे पिताजी मेरी शादी करना चाहते हैं, पर मैं शादी ना करना चाहती। मैं बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती। मेरी तीन सहेलियों को उनके ससुराल वालों ने दहेज के लिए मार दिया, दो को उनके आशिकों ने मार दिया। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मुझे भी मारा जाए, इससे अच्छा तो मैं पहले ही मर जाऊं। और सारे लड़के एक जैसे होते हैं, पहले प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं और फिर ठुकरा देते हैं। ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा ही है। मेरी खुद की बुआ जी के साथ ऐसा हुआ, उन्हें भी मार दिया गया। तू चला जा यहाँ से, चला जा, मुझे चैन से मरने क्यों ना देता तू? अरे क्या बात हो गई, कैसे परेशान सा लग रहा है? ना जी वो कुछ ना। चल कोई बात ना, तू जाके घर में भैंसों का काम देख ले। अबे तू कैसे बगल में पड़ा जा रहा? अबे पांता बैठने की औकात नहीं, सिराने बैठेगा मेरे धोरे। अबे चद्दर ओढ़ूंगा मैं। अब तू लौटेगा भी है? और क्या, कैसे लौट जाएगा? भाग यहाँ से। कैसे लौटूंगा? तेरे कुल्ले के पीछे को लौटूंगा यहाँ। ले चद्दर तो मैं ही ओढूंगा। चद्दर मैं ओढूंगा। फाड़ ले साली को। ए वो महावीर, हमें फाड़ देगो। हाँ चला जा इसी मसोले में। रुक जा, हाँ लौट जा। सुन पा दिए मत? ठीक है चल। और जो पा दिया तो कहूंगा तू फाड़ आ लिया। ठीक है, मैं भी ऐसे कहूंगा। ठीक है। तूफान आ लिया। गया के? गया। चल सो जा। तूफान आया। गया के? गया भैया गया। तूफान फिर से आ लिया। अब गया के? गया, नहीं जा सकता। क्या हुआ? तूफान के साथ तो बरसात भी बरस ली। भग, 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 भ
चद्दर भी ले जा, बिना चद्दर के सो जाऊंगा। सोनू बाबू क्या दुर्गति करा दी। अरे हाय, दिन भर तो भैंसों का गोबर सूंगो, अब भी सुसरे का भी गोबर सूंघना पड़ गया। यार अब तक तो मैं इसे मरने से बचाना है, अब तो इसे जीना भी सिखाना पड़ेगा। इसके दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी कि हर लड़का दौलत और जिस्म का भूखा नहीं होता। ये क्या हो रहा है मुझे, मैं इतनी कमजोर क्यों हो रही हूँ? मुझे मरना है, मुझे मरना ही होगा। अब फिर मरने जा रही है? हम तो इसके मरने न मार लिए। सोनू, वो सॉरी। सॉरी किस बात के लिए? मैं तुझ पे चिल्लाई, तुझे कितना भला बुरा कहा, और यहाँ तक कि तुझे थप्पड़ भी मार दिया, उसके लिए सॉरी। वो तुमने थोड़ी ना किया है, वो किया है तुम्हारे गुस्से ने, तुम्हारी नासमझी ने। और अब देखो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अच्छा मैं खूबसूरत हूँ? हाँ इतनी खूबसूरत कि शीशा भी चटक जाए। हट झूठा कही का। मैं भला झूठ क्यों बोल लूँगा, और मुझे के लालच। उमा ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जरूरी नहीं कि दूसरों के साथ गलत हुआ हो तो तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा। देखो अपने लिए जियो और अपने परिवार के लिए जियो। पगली रो मत, एक बार हंसकर ये जिंदगी जी के तो देख, ये जिंदगी कितनी हसीन लगती है। यू बुद्धिलों की तरह मरना तो बेकार है, एक बार आसमान में उड़ के तो देख ये दुनिया कितनी हसीन लगती है। और हाँ अब रोना मत, अभी देखियो हंसती हुई तुम कितनी अच्छी लग रही थी। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम करने। रुक, मेरी बात सुन, कायदे की बात। हाँ कल तैने खाई थी, आज मैं खाऊंगा। हाँ मैंने खाई थी पर खुशबू तो तुझे सुंघाई थी, आज मैं सुंघूंगा। अरे इसमें रेट लगाएगा क्या, फालतू की बात कर रहा, दूर हट जा। हाँ मैं सुंघूंगा तो जरूर। हाँ मुझसे बुरा कोई ना होगा, घुसंड मार दूंगा। तू मारेगा घुसंड है? मुनीम जी बालों में काला रंग फिरवा के ना ज्यादा जवानी मत दिखाओ। तेरी ऐसी तैसी तेरी काट दूंगा जवानी। मुनीम साले रोटी का नाश मार दिया, दो दिन से भूखा बैठा हूँ, यूं आस की हो रही है मेरी साथ। ए मुनीम सारे कपड़े गंदे करा दिए, देखे आज हिसाब में रह कर था, आज हिसाब में बैठा हूँ, रोटी भी नहीं मिल रही यार। अब इसे कौन साफ करेगा? मैं करूँगा, भाग ऐसे। बताओ दूर हो जाइए, रोटी मेरी है यू। हाँ हो जाऊंगा दूर, ले तू खा खा खा। खाऊंगा, चल तू खा ले, खाऊंगा। साला हमने भी केराड़ा पाड़ लिया यूं, अच्छे खासे काम में रह रहे थे, अब पता नहीं सब्जी कैसे बनेगी। उस मैडम को दिया तो इतना लंबा चौड़ा भाषण, पता ना उसके दिमाग में घुसेगी कि ना। अब तू मरना छोड़ दे तो हम भी अपने घर को चले। साले पी ले तू भी मारे खून, एक तेरी कमी रह रही थी। क्या कर लिया ये, हटो तुम। यू क्या कर रही हो, तुम चुपचाप खड़े हो। लो बाबूजी खाना खाओ।
अरे वाह सोनू, तन्ने खाना तो घना बढ़िया बनाया, मान गए भाई तुझे। मारा एक काम कर, आज तो पारुल को स्कूल से लिया, गाड़ी तो चलाने जाना है। हाँ हाँ जी जा तो। अरे पिताजी, अब स्कूल वाले पारुल को इसके साथ कैसे भेज देंगे? एक काम करती हूँ, मैं इसके साथ जाती हूँ। चलिए भी ठीक है, तू भी चली जा। ठीक है पिताजी। ठीक है। सोनू गाड़ी रोको। अरे कोई फिर मरने तो न जा रही। अब चलो। ना आसमां में तारे होंगे ना सागर में पानी, सबसे ज्यादा प्यार तुझको करता हूँ ओ दीवानी। तू है मेरे प्यार का खिलता हुआ सा कमल, तू ही मेरा आज है और तू ही मेरा कल। बहता है नस नस में रब दी सो तेरे नाम लिख दिया अपना हर एक पल, तू ही मेरा आज है और तू ही मेरा कल। धरती पे या आकाश में तेरा ये पागल होगा तेरे पास में, सोचू ना तेरे बारे में ऐसा ना कोई पल, तू ही मेरा आज है और तू ही मेरा कल। गोबर गिर रहा भला, मैंने तेरी टांग का टैकल ले रखा है, चल दे झाड़ू में लगाऊंगा। ऐसा लगाएगा? हट हट मान जा। अरे हट जा हट जा, झाड़ू का का मरेगा क्या? रो छोड़ दे मान जा, कुछ काम तो करते नहीं, हर टाइम लड़ते रहते हो। मुखिया मर भाई बे। No.
तुम यहाँ क्या काम आगा? ये सब क्या है? क्या हुआ? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या सब? तुम हमारे घर पे रह के ये नौकरों की तरह काम क्यों कर रहे हो? तुम मरने का प्लान छोड़ दे, चले जाऊंगा, वरना यहीं पड़ा रहूंगा। अगर मैं मरना छोड़ दूंगी तो तुम चले जाओगे? हाँ बाबा, चले जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं कभी नहीं मरूंगी। ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ। मुझे जीना सिखा के फिर से मरने के लिए छोड़ के जा रहे हो? सोनू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नहीं सोनू, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। क्या कहें तेरे बारे में, तू हर रूप में खूबसूरत नजर आता है। सुन सोनिया, सुन दिलदार, रब से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। मिल गए हो मुझे, मिल गया है जहां, मिल गए हो मुझे, मिल गया है जहां, अब न होंगे जुदा ये वादा रहा, अब न होंगे जुदा ये वादा रहा। चलूं तेरे संग, ले
होश में तू ये मेरा बदन, अब रहे ना कोई फासला अभी जरा, अब रहे ना कोई फासला अभी जरा, अब ना होंगे जुदा ये वादा रहा, अब ना होंगे जुदा ये वादा रहा। पिताजी चाय लो। पिताजी क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बेटा कुछ बात नहीं। ना कुछ तो बात है। कुछ बात नहीं बेटा, सब ठीक है। पिताजी बताओ ना क्या बात है, क्यों आप परेशान हो। बेटा वो लीलू नहीं है। हाँ। उसने अपने मकान पर कब्जा कर रखा, मकान खाली करने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा। मैंने उस मकान का बयाना ले लिया, उसको मकान देना। अब इज्जत का सवाल है, और बेटा तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। पिताजी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सोनू तुम यहाँ, ये क्या कर रहे हो तुम। प्यार कर रहा हूँ तुम्हें। प्यार ऐसे होता है तो तुम सिखा दो। बुद्धू हो तुम। मां बेटा दरवाजा खोलो। सोनू पापा आ गए लगता है। पापा कहाँ छिपाऊं, क्या करूं क्या करूं। काम करो तुम, यहाँ पे छिपो, जल्दी लेटो लेटो। क्या करूं, पापा आ गए। हाँ पापा। बेटा तू चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। चल बेटा तू सो, मैं तुझे कंबल उड़ा देता हूँ। नहीं पापा, कंबल तो मैं खुद ओढ़ लूंगी। बेटा माँ तो तेरी है नहीं, ख्याल तो तेरा मुझे रखना। चल तू सो। नहीं पापा, वो अभी तो मुझे योगा भी करना है ना। बेटा योगा दिन में होता, रात में कौन सा योगा होता। वो पापा खाना खाने के बाद जो योगा हुए है ना, उससे अच्छी नींद आवे। फिर तो ठीक है, ढंग से करिए बेटा और जल्दी सो जाइए। हाँ पापा। पापा तुम जाओ और तुम भी सो जाओ। हाँ ठीक है। और अब आप आराम करो, ठीक है जाओ। सोनू 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 उठो ना सोनू, तुम्हें क्या हो गया सोनू। सोनू ऐसा मजाक ना दोबारा ना कर दी, समझा। अच्छा ठीक है बाबा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। अरे वो पिताजी के ना किसी ने पैसे देने हैं और वो दे नहीं रहा, तो पिताजी इसलिए बहुत परेशान हैं। चलो ठीक है। क्या? अरे यहाँ सुनो। बताओ। कल तुम दोनों ना सुबेरी के टाइम तैयार रहियो, बात सुनो। अरे वो रामफल का लड़का है ना लीलू। अच्छा। प्रधान के घर पे कब्जा करे हुए बैठा है, कल उस साले को सुधारना है। ठीक है चलेंगे। ठीक है ना, तुम आराम करो। चल भाई चल। हाँ, चलो लेटेंगे। सोनू भाई
आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता, आओ अंदर बैठो। लीलू, आदमी को आकाश में उतना ही उड़ना चाहिए, जो गिर जाए तो उसके हाथ पांव ना टूटते। क्या गलती होगी सोनू भाई, ये मकान किसका है? ये तो मेरा है सोनू भाई। घोड़ा दबता है मेरा। मैं समझा नहीं सोनू भाई। कल महावीर के घर जाके उससे माफी मांग लिए और उसके मकान की चाबी उसे सौंप दिए। मतलब? मतलब सीधा है, चुपचाप प्रधान जी का मकान खाली करके निकल ले यहाँ से, समझे? नहीं तो तेरी टांग छोड़ कर ना अपने जैसा बना दूंगा। हाँ ठीक है सोनू भाई, ठीक है, चलो रे। प्रधान जी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मालिक लो चाय। प्रधान जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लो अपने मकान की चाबी। अरे ले लो चाय पी के जाना, हमारा नौकर चाय बहुत बढ़िया बनावे। नौकर? हाय सोनू। प्रधान जी मुझे माफ करो, मुझे अभी और दिन जीना है, चाय किसी और दिन पी लूंगा। अरे ऐसा क्यों बोल रहा? मुझे लगा ससुरे का दबाव लग रहा दिखा। हो सके। यू क्या है? प्यार? मुझे ऐसा प्यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगे। ये क्या है? तना खाना है। तुम ऐसा खाना खाते हो? नौकर लोगों को ऐसी खाना खाना चाहिए। क्या कहा? अच्छा बाबा, आसिक लोगों को ऐसी खाना खाना चाहिए। ठीक है, मैं भी आशिक हूँ। पानी पी ले। अरे पी ले, अब नू मरना चाह रही है के? पहले तुम एक बार सच सच बताओ। पूछ, जल्दी पूछ। ये लीलू मान कैसे गया, घर क्यों आया था? अरे बताता हूँ, पहले पानी पी ले। नहीं, जब तक तुम नहीं बताओगे मैं पानी नहीं पीऊंगी। यू क्या कर रही है पगली? तुम्हें मेरी कसम है, बताओ। हाँ, मैंने ही सो मजबूर किया था, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को दुखी नहीं देख सकता। रो मत पगली, प्यार हो जाएगा। अच्छा बोल, चल तुझे क्या चाहिए? मुझे तू चाहिए हमेशा के लिए। तेरा ही तो हूँ पगली, पगले हट। उमा एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे लगता है कि तुम अब मरने का ख्याल भी दिल से निकाल चुकी हो और जीना भी सीख चुकी हो, तो अब मैं अपने घर जाऊँ। क्या कहा तुमने? हाँ, मार डालूंगी और मर जाऊंगी, आग लगा दूंगी सारे जहाँ में, और अगर मुझे तुमसे किसी ने अलग भी किया ना, उसे भी मिटा दूंगी, समझे तुम? पर तुम तो कहती थी कि सारे लड़के जिस्म और दौलत के भूखे होते हैं, क्या सच है? मैं गलत थी, पर कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। पर यूं कब तक चलेगा, एक न एक दिन तो हमें जुदा होना ही पड़ेगा। अब तो हमें मौत ही जुदा कर सकती है बस। उमा, प्यार की कीमत आज तक खुशनसीब ही चुका पाए हैं। उन खुशनसीबों में हमारा भी नाम होगा। वो खुशनसीब जान पर भी खेल जाते हैं। मैं भी खेलूंगी। वो तूफानों को भी मात दे देते हैं। मैं लहरों का रास्ता मोड़ दूंगी। मरना भी पड़ता है, तुम कह के तो देखो। वो तो नहीं आए। बेटा पिताजी क्यों नहीं आए? उनको जरूरी काम आ गया था। अच्छा बेटा। अरे उमा, बेटा कहाँ थी? पापा मैं बाजार गई थी सामान लेने। आओ बेटा बैठो। अरे सोनू, जरा तुम सामान रखे और पानी लेकर आ जाओ। जी। बेटा ये हैं डॉक्टर वीर सिंह। नमस्ते। नमस्ते। मेरे बहुत अच्छे दोस्त जगमोहन सिंह के बेटे हैं और अमेरिका से डॉक्टर की डिग्री करके आए, और मैं इन्हीं से तेरी शादी कराना चाहता हूँ। बदतमीज, तुझे एक ग्लास पानी दिया है ता? दोबारा ले कहा पानी? अरे बेटा इनसे कोई बात करनी हो तो कर लो। पापा अब मैं आती हूँ। ले जुमा स्टॉप।
आप सोच समझ के जवाब देना, कल या परसों जब चाहे। आई वेट कम अगेन, किसी दिन मिलते हैं। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आ बेटा, क्या बात है? पापा, मुझे कुछ कहना है। बोल बेटा, क्या कहना है? पापा, वो आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है? बेटा, हर बाप का फर्ज होता है बेटी का कन्यादान करे और अपने फर्ज से मुक्त हो। पापा। हाँ बेटा बोल। वो पापा, मैं किसी से प्यार करती हूँ। क्या मतलब तेरा? पापा, आप ही तो कह रहे थे कि कन्यादान करना है। तुझे पता है मुझे प्यार से नफरत है? तेरी बुआ का क्या हाल हुआ था? उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन पापा, अब वो जमाना नहीं रहा। तू पागल है, कुछ नहीं बदला। मैं किसी भी हालत में अपनी बहन जैसी गलती तुझे नहीं करने दूंगा। पापा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा, मैं जो कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका बेटा है डॉक्टर, मैं उससे तेरी शादी करूंगा। उसके साथ तू हमेशा खुश रहेगी। पापा, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, जो मुझे करना वो करना है। आज अगर मेरी माँ होती ना, तो वो मुझे जरूर समझती, क्योंकि एक औरत ही औरत को समझ सकती है। पापा, आप मुझे कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं। बेटा, मैं जो कर रहा हूँ तेरे भले के लिए कर रहा हूँ, तू समझ तो सही। पापा, वो लड़का सकल सूरत में, दौलत शोहरत में उस डॉक्टर से कहीं ज्यादा अच्छा है। आप एक बार उससे मिलके तो देखो। चल मिलवा उससे, मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ पापा, फोन दे दो। ले बेटा। कहाँ गया? गया? कोई मेरी सांसे ठहरा हुआ मन है, तुम्हारे बिना कुछ ना ये जीवन है। Oh,
तुम अपने घर है? नहीं मुनीम जी, कुछ गलत हो रहा है, चलो। कुछ गलत नहीं हुआ, तुम्हारा बहम है, तुम सो जाओ। मुनीम जी, हम दो जिस्म जरूर हैं, पर जान एक है, और तुम्हें आना है तो आओ, वरना भाड़ में जाओ। ले भाई, हमें भी चलना पड़ेगा। पारुल बेटा। जी पिताजी। उमा दिखाई नहीं दे रही सुबह से, आज पता नहीं चल रहा उसका। पिताजी मुझे नहीं पता, मैं गांव में भी ढूंढ आई उसकी सहेली के यहाँ पर, मुझे नहीं मिली। देख आता हूँ कहीं। बाबू घर चलो। अगर कल मैं सही समय पे ना पहुंचता ना, पता नहीं तेरा क्या होता। सोचा भी तैने? पापा मेरी बात का विश्वास तो करो। बहुत हो चुका, अगले हफ्ते से शादी कराता हूँ। पता नहीं कौन से सपने देख रही है, पागल हो गई है। चल अंदर चल, तैने सुना नहीं, चल अंदर। आज के बाद इस घर से बाहर मत निकलना। मालिक नमस्ते। नमस्कार सोनू, क्या बात है? नए कपड़े, नया लड़का, बंदूक, क्या ठाट बाट है नौकर के? कोई लॉटरी लग गई क्या? बस मालिक, ऐसी समझो, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। सदा खुश रहो। और कल से कहाँ थे? बस मालिक ऐसे ही, पर आज आ गया हूँ आपकी सेवा में। अब जब सोनू तेरे इतने ठाट बाट हो गए, तू अब हमारे यहाँ नौकरी क्यों करेगा? मालिक बच्चे बड़े कितने क्यों ना हो जाएं, बिना बड़ों के सहारे फल फूल नहीं सकते। और मैं कल भी आपका नौकर था और मैं आज भी आपका सेवक हूँ। कर ले इनकी गुलामी, तलवे चाट लेना। तुझसे जो बात करने की है वो तो ना होती। कौन सी बात? बता इन्हें, बता ना, तू कौन है और तू क्यों आया है यहाँ, और मैं कौन हूँ तेरी, बता। ये मेरे मालिक और मैं इनका सेवक। मैं कोई नहीं हूँ तेरी, मैं कोई नहीं हूँ तेरी, मैं बताती हूँ। पापा यही है वो लड़का जिससे मैं प्यार करती हूँ, ये जिंदगी है मेरी। क्या बात करती तू, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ओ प्रधान, तेरे जैसे हजार को खरीद सकता है सोनू बाबू। मुनीम जी चुप। मैं इसलिए चुप था कि उमा हमारे प्यार का इजहार खुद आपके सामने कर। बहुत प्यार करता हूँ इसे, मैं इसके लिए मर सकता हूँ तो मार भी सकता हूँ, पर मेरे संस्कार किसी को मारना नहीं पैर छूना सिखाते हैं। पापा मान जाइए ना, ये मेरी जिंदगी है। पापा जी लेने दीजिए मुझे, मेरी जिंदगी जी लेने दीजिए। उठ पगली, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। अरे सोनू, तू कौन से गांव का? मैं भादरपुर का हूँ जी। अरे उस गांव में तुम्हारी बहन की शादी भी हुई है? पता है जी। पर सोनू एक बात बता, तू वहाँ है किसका छोरा? जी वो 500 बीघे जमीन एक ही आदमी पे है बहादुरपुर में। पर है कौन वो? चौधरी राजवीर सिंह। क्या तू उस नीच का बेटा है? इससे पहले मैं तेरे टुकड़े करूं, निकल जाए यहाँ से। पर पापा हुआ क्या? उमा, इसके बाप ने तेरी बुआ और अपने भाई को मार डाला, इसलिए शादी नहीं हो सकती, चला जाए यहाँ से। नहीं पापा, मैं मर जाऊंगी। नहीं, इससे पहले मैं तेरा गला घोटूं, चल अंदर। ए महावीर, पकड़ लो इसे। बाबूजी तुम हटो, हम देखते हैं इसको। सोनू, सोनू मुझे लेके चलो।
बाबूजी। पिताजी छोड़ दो, मुझे जाने दो पिताजी। सोनू सोनू बाबू खाना खा लो। सोनू भाई खाना खा लो ना। क्यों जला रहे हो सोनू बाबू अपने आप को इतना? और किसे जलाऊं, तुम्हें या इस बेकारे को? जिस बाप से मैं जिंदगी भर तक नफरत करता रहा, आज उसी ने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। वो मेरा बाप नहीं, शैतान है, जो आज अपनी औलाद को ही खा गया। मुनीम जी खा गया। मुनीम जी तुम तो मेरे भाई हो, तुम अब बताओ मैं क्या करूं? पहले मेरा बचपन और अब मेरा प्यार, उसने सब कुछ छीन लिया मेरा, सब कुछ। वो बाप नहीं, पाप है पाप। अब कहां चल दिए सोनू बाबू? मैं अभी आता हूँ। मैं भी चलता हूँ सोनू भाई। जाने दे बिल्लू, मेरा बाबू हर मुसीबत से लड़ सकता है। ठीक है मुनीम जी। सोनू मुझे यहाँ से ले चल। ले जाऊंगा बाबा, लेकिन डोली में बिठा कर। सोनू मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे यहाँ से भगा के ले चल। भागते तो बुझ दी ले पगली, मैं तो तुझे बड़ी शान से लेके जाऊंगा। मेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे, चल भाग चलते। भगाना होता तो कब का भगा ले जाता मैं, तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है? खुद से ज्यादा। तो बस मुझ पे छोड़ दे। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, घेर में सोऊंगा। आज तो नौकर भी ना, घर इतना साफ किसने करा? चलो यार, यू घर भी साफ घर भी साफ। पर चलो खैर, मैं पारुल को स्कूल से ले आता हूँ। अरे धरा, जा भाई पारुल को लेकर। जी उसे तो सोनू भाई साहब ले गए। साले से क्यों तू मेरी छोरी? जी वो तो पहले भी ले जावे थे। हट पीछे को, पहले बेटी का पता करता हूँ। आप इतने अमीर होकर हमारे घर में नौकरों की तरह रहे, मुझे तो आज पता चलेगा। सोनू हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब तेरी वजह से हुआ है। प्रधान जी, मैं दुश्मनी बुलाकर प्यार की नींव रखना चाहता हूँ। समय पुराना हो सकता है पर दुश्मनी नहीं। चलाए यहाँ से, मैं तुझे अपनी नाक नहीं काटने दूंगा। पापा, नाक तो आपकी तब कटती अगर लीलू आपसे माफी ना मांगता। चुप रहो माँ। सोनू तुम चुप रहो और आज मुझे बोलने दो। पापा, सोनू की वजह से ही लीलू ने आपसे माफी मांगी है। बात कुछ भी हो, मैं माफ नहीं करूँगा। पापा, अगर मैं इसके साथ भाग जाऊँ तो क्या कर लेंगे आप? वो तो सोनू है जो मानता नहीं है, वरना इसके साथ में कल रात ही भाग जाती। उमा, इससे पहले मैं तेरे हाथ उठाऊं, तू अंदर चली जा। उमा यहीं रुको और सुनो प्रधान जी, जितनी नफरत तुम मेरे बाप से करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं करता हूँ। पर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्यों अपनी बेटी का घर बर्बाद करने पर तुले हुए हो? आप मेरे बाप की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? सजा तुझे भी दूंगा, तेरे पूरे खानदान को दूंगा और तेरे आने वाली हर पीढ़ी को दूंगा। प्रधान जी बहुत हुआ, मैं भी देखता हूँ उसकी डोली कैसे उठती है, और कल इसी वक्त इसी जगह तुम्हारी बेटी को उठा ले जाऊंगा। बस कल तक उमा, कल तक का इंतजार। और हाँ प्रधान जी, कल तक का समय भी इसलिए दे रहा हूँ कि अभी आप गुस्से में हैं, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला हो जाए। धन्यवाद। सोनू बाबू, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप कहो तो मैं बड़े बाबू से बात करूं। नहीं मुनीम जी, ये सोनू इतना कमजोर नहीं है कि जो अपनी मोहब्बत ना पा सके। मेरे साथ मेरा भगवान है और खुद उमा का प्यार है, और जिसके साथ उसका अपना प्यार हो उसे डर काहे का? पर वो परवर कुछ नहीं, मुझे उमा और अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। जाओ यहाँ से। ना, मैं सोनू को नहीं छोड़ सकती। मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ। या तो मैं कल उसके साथ जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और इस बार मुझे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। प्रधान जी, राम राम। राम राम। तो क्या सोचा, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ। आपके पैर छूने को तैयार हूँ, आप मेरे सिर पर हाथ रखोगे? मान गए तुझे सोनू, अकेला ही आ गए हैं। प्रधान जी, जब मेरा प्यार मेरे साथ है तो मुझे डर काहे का? मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरी सब गलतियों को माफ कीजिए और मुझे मेरी उमा दे दीजिए। मुझे इन सबका डर नहीं है, मुझे मेरी उमा से मिलने दो। सोनू बाबू, कहो तो उड़ा देने। कोई नहीं बोलेगा, मैं बात करूं। आओ भाई, थारा भी दम देखूं। धान जी, रावत। सोनू भाई, तुम कहो तो भाग के पकड़ू मुंडों को। भाग कर तू बनेगा डिस्कवर। प्रधान जी, अब तो उमा को बुला दीजिए। अगर तू ले जा सकता है तो ले जाओ। उमा। मुनीम जी। जी सोनू बाबू। वो हमारा खानदानी हार लाओ। अब इस पर उमा का हक है। उमा, उमा ये सब क्या? ओहो, तुम इसे अकेले में पहनना चाहती हो? मुनीम जी, ये हार उठाओ। उमा चलो मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़ो, मैं कहीं नहीं जा रही। अरे पगली, हम अपने घर जा रहे हैं। कौन सा घर? अपने घर। मेरा घर ये है ये। हाँ हाँ, ये भी तुम्हारा घर है, पर अपने घर जा रहे हैं हम। चले जाओ यहाँ से, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, चले जाओ। तो तुम सब घर जाओ, मैं बात करता हूँ। ठीक है। नीम जी, उमा मेरी तरफ देखो। तुम्हें डर किस बात का है? पापा का है, समाज का है, मैं हूँ ना, सबसे लड़ जाऊंगा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। पर क्यों? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी?
तेरी मर्जी तो मेरे साथ भाग जाने की भी थी, आज भगा के ले जा रहा हूँ तो तुम मने कर रही हो। नफरत है मुझे तुमसे। मुझसे नफरत? किस बात की? तुम हमारे खानदानी दुश्मन हो। अरे पगली, हमारा तो जन्म जन्म का साथ है, क्या भूल गई सब कुछ अपनी प्रेम कहानी? हाँ मुझे कुछ याद नहीं। लगता है तुझे तेरे पापा ने डराया है। मार देता हूँ साले को। उनसे पहले मुझे खत्म कर दे। सुन, उमा पागल ना बन, तू बता क्या करना है, पूरे गांव से लड़ जाऊंगा। बस एक एहसान कर दे, चला जा तू यहाँ से। नफरत है मुझे तुझसे, तू मेरी बुआ के कातिल का बेटा है। हाँ मैं बेटा हूँ उसका, पर तू बता क्या तूने मुझसे प्यार नहीं किया? तू जी पाएगी मेरे बिना या मर जाएगी? अगर मरेगी तो मैं नहीं जाऊँगा। हाँ हाँ जी लूंगी तेरे बिना, चला जा तू यहाँ से बस। तुम तो कहती थी कि हर लड़का जिस्म और दौलत का भूखा होता है, पर आज मैं कहता हूँ हर लड़की बेवफा होती है। यार बिछड़ा सनम, तुम हो मेरे सनम, सोचा तो यही था। तुम हो मेरे सनम, तुम हो मेरे सनम, सोचा तो यही था। भरोसा तो इतना था कि दुनिया जीत लूंगा, पर अब ऐसा लगता है ये सांस छोड़ दूंगा। बिन तुम्हारे जिंदगी लगता है अब है बेवजह। बिन
तुम्हारे जिंदगी, बिन तुम्हारे जिंदगी लगता है अब है बेवजह। फिर भी जी रहे है जहर पी रहे है अब तुमको क्या। तू माने या न माने बस तेरी खता रही है, तू माने या न माने बस तेरी खता रही है। रहोगे हर पल सांसों में इस भीत का खुदा गवाह, हंसते रहो तुम हर एक पल हंसने की बनो वजह। ना करेंगे शिकायत, ना करेंगे शिकायत, दे रब तुझे सारी खुशियाँ। ना करेंगे शिकायत, ना करेंगे शिकायत, दे रब तुझे सारी खुशियाँ। हम तुम्हारे सनम है, तुम्हारे सनम करे कैसे बयां। मानो या न मानो ये मेरी खता नहीं, मानो या न मानो ये मेरी खता नहीं। सोनू बाबू ये क्या कर रहे हो आप? आप और दारू, लाओ ये बोतल मुझे दो। मुनीम। क्या मुनीम, मैं तुम्हें गलत रास्ते पे जाने दूं? मुनीम जी अब तो इसी का सहारा है, साला सब साथ छोड़ गए, इसे तो मेरे पास रहने दो। सुना है ये किसी का साथ नहीं छोड़ती, अपने साथ लेकर जाती है। हट। क्या था क्या हो गया मेरा सोनू बाबू? अरे मुनीम जी उमा की शादी हो रही है। क्या? हाँ सोनू कहाँ है? सोनू बाबू तो ऊपर है। चलो ऊपर चलो। चलिए सोनू भाई, सोनू भाई उठो। सोनू बाबू उठो ना। अरे उठ जा बेटा, उमा की शादी हो रही है। मुनीम जी मैं लेकर आऊंगा उमा को अपने दोस्त की खातिर। ना बिल्लू, जो फैसले हमारे हाथ में ना हो उन्हें वक्त और हालात पे छोड़ देने चाहिए। अगर इनके प्यार में ताकत होगी मेरा सोनू एक दिन उमा को जरूर पालेगा। इनका प्यार अगर ताकत है तो मिलेगा। सोनू उठ जा बेटा, इसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती बिल्लू। हाँ मुनीम जी। उमा की शादी हो चुकी है। क्या शादी? हाँ ये सच है, जितना जल्दी समझ जाओ उतना ठीक है।
ठीक है उमा, अगर तुम्हें कुछ वक्त चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उमा बाहर आ। सोनू बाहर खड़ा हुआ है, तुझे जाना तो जा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तेरी छोटी बहन और मैं आज ही जहर खाकर मर जाएंगे। पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं अपनी इज्जत से अगर तैने दहलीज पार की, तेरी साथ तेरी छोटी बहन और मेरी लाश भी साथ जाएगी। अब फैसला तेरे हाथ में है, जा भगा दे उसे। जल्दी आ भाई। आया आया। उमा! बिल्लू हाँ, इधर सब आ जाइए जल्दी। मैं तुम्हें कल से ढूंढ रहा हूँ, चलो घर चलो। कहाँ जा रहा तू? कौन है भाई तुम, मुझे जान दो। अरे घर चल बाबू, मैं तेरा मुनीम हूँ। भाई कौन है तुम? अरे मैं तेरा मुनीम पगले। कौन है तुम? अरे बाबू मैं तेरा मुनीम हूँ। सोनू घर चल वरना मैं मारूंगा। अरे हट। बाबू 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 इसे पी ले, पी ले, इसे पी के कुल्ला कर ले। क्या है यू? दारू है बाबू, इसे पी ले सब ठीक हो जाएगा। पी ले पी ले पी ले ले ले। रुक रुक रुक, बिल्लू तू इसे पकड़, मैं गांव से कुछ आदमी लेकर आता हूँ। यही रुक, मैं भी लेकर आया मेरे बाबू। यार बिछड़ा हट। क्या हुआ बिल्लू, सोनू कहाँ है? आज मैं अपने दोस्त को ना रोक सका, आज मेरी ये बेकार टांग धोखा दे गई मुनीम जी। अगर आज मेरी वो लंगड़ी टांग ठीक होती तो मैं अपने दोस्त को बचा लेता। रुक रुक, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी ढूंढते हैं, मेरे साथ आओ सोनू बाबू। Thank you.
पागल और रुक, कहां जा रहा है? और मंदिर में ये जूते, घुसा जा रहा अंदर, तार ही ने पहले। और यहां क्या कर रहा? मारूं लट, भाग जा। मुनीम जी,
अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा आपको। ढूंढो उसे, मैं भी आ रहा हूं। उमा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से तीन लोगों की जिंदगी खराब हुई है। मैं मजबूर थी, पर इसमें मेरी कोई खता भी नहीं है। खता? खता तुम्हारी है। अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं आपके पापा से बात करके आपकी शादी सोनू से करा देता। मैं जानू सोनू के पास। अब बहुत देर हो चुकी है। मतलब? सुना है कि वो पागल होकर कहीं चला गया। ये तुमने क्या किया उमा? ऐसे इंसान को छोड़ दिया जो तुम्हारे प्यार में पागल तक हो गया? भाई साहब, तुमने हमारा सोनू देखा के? हमने ना देखा, तू अपना हिला देख। रोक रोक रोक, ले आओ। जो लड़का देखा क्या है? नहीं देखा कोई से ने भी। हमने नहीं देखा। अगर दिखे तो बता दियो। ठीक है जी। गाड़ी रोको, एक मिनट देखते हैं। अरे ये तो सोनू है, उठाओ इसे, गाड़ी में लेके चलो। भैया तुम इन्हें नहला धुला के अपने कपड़े पहना दो, मैं तब तक डॉक्टर को फोन करती हूँ। लगता है ये काफी समय से बीमार है, कमजोरी भी आ चुकी है और ये पहले से भी डिसबैलेंस है। दवाई तो मैं इनको दे नहीं रहा हूँ क्योंकि ये खा नहीं पाएंगे। मैं इनको ये ड्रॉप दे रहा हूँ, हर आधे घंटे बाद दो दो बूंद इनके मुंह में डालते रहना। जी ठीक है।
हेलो, कुछ पता चला सोनू बाबू का? नहीं मुनीम जी, मैंने तो सारे में देख लिया पर पता ही नहीं चला सोनू का। ठीक है, ढूंढो, कोशिश करते रहो, मैं भी ढूंढूंगा। ठीक है मुनीम जी। मुनीम जी, सोनू का कुछ पता चला क्या? नहीं, कोई पता नहीं चला, सब जगह ढूंढ लिया। शुक्र है आपको होश तो आया। मैं यहाँ कैसे? आप सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे तो मैं अपने घर ले आई। और मेरे कपड़े? घबराने की कोई बात नहीं है, आपके कपड़े मेरे भाई ने बदले हैं। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। अगर मैं तुझे दुनिया की सबसे अच्छी खबर सुनाऊं तो बता तू मुझे क्या इनाम देगी? आरती बता ना, क्या बात है? जो तू मांगेगी। अरे तेरा सोनू जिंदा है और सही सलामत है। क्या आरती, ये तो क्या कह रही है? आरती सोनू कहाँ है, मुझे जल्दी बता। अरे मैं तेरी सहेली हूँ और मैं तुझे सोनू से मिलवाऊंगी, वो मेरे पास है और बिल्कुल सही सलामत। उमा तू जल्दी से आ जा, मैं सोनू को कहीं नहीं जाने दूंगी। ठीक है। मैं आ रही हूँ आरती, मैं आ रही हूँ। तू सोनू को कहीं जाने मत देना आरती, कहीं मत जाने देना, मैं बता रही हूँ। फिर मेरे साथ धोखा, मुझसे मिलने आएगी वो बेवफा। हेलो। हाँ मुनीम जी, सोनू का पता चल गया है। क्या, सोनू बाबू का पता लग गया? हाँ हाँ, आप जल्दी आ जाइए, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है, वो है कहाँ? मुनीम जी, मेरी फ्रेंड है ना आरती, उसके घर पे। ठीक है, मैं भी आता हूँ। हाँ हेलो। हेलो, आप अभी घर आ सकते हो जल्दी? क्या बात होगी? वो सोनू का पता चल गया है। अच्छा। हाँ अभी कुछ देर रुको, एक सीरियस मरीज है, उसकी हालत ज्यादा खराब है, मैं उसको देख कर आऊंगा। हाँ आप जल्दी आ जाइए। ठीक है। सोनू का पता चल गया, मेरे सोनू। मेरे सोनू का पता चल गया, कितने टाइम बाद मुझे मेरा सोनू मिलेगा। सोनू।
हेलो बाबूजी, सोनू बाबू का पता लग गया। चलो बहुत अच्छी बात है, आप उधर से आइए, मैं इधर से पहुंचता हूँ। ठीक है बाबूजी, जल्दी आ जाओ। हाँ बिल्लू को भी फोन लगाता हूँ, यार है उसका। डिंग 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 डॉम डॉम बम 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 बम। हेलो बिल्लू, सोनू बाबू का पता लग गया। क्या सोनू मिल गया? चल आजा जल्दी, मैं भी निकलता हूँ। ठीक है अभी आया। ये फोन पर क्या था? फोन? कौन सा फोन? मुझे पागल मत समझो, मुझे पता है फोन पर तुम उमा से बात कर रही थी। वो क्या सोचती है कि वो शादी करके भी मुझसे मिल पाएगी, ये देखने के लिए कि उसके बगैर मैं कैसा तड़पता हूँ, तो ये उसकी भूल है। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। सच है तुम सब लड़कियाँ बेवफा होती हो, पर मैं उमा का ये सपना पूरा नहीं होने दूंगा कि मुझे अपने पति के सामने जलील करे। तुम गलत समझ रहे हो। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। वो अपने पति के सामने क्या दिखाना चाहती है कि मैं कितना छोटा हूँ और मेरी हार का मजाक बनाना चाहती है। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, मगर अपनी सच्ची मोहब्बत का मजाक सहन नहीं कर सकता। सोनू मेरी बात तो सुनो। बात तुम सुनो मेरी। उससे कहना कि मैं अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। उसकी शक्ल देखने से तो बेहतर है कि मैं कहीं जाके मर जाऊँ। प्लीज सोनू। और हाँ, उसे मुझसे मिलना है ना तो आ जाएगी दुनिया छोड़ कर। मैं इंतजार करूंगा उसका, क्योंकि मैं बेवफा नहीं हूँ। रुको तो सही। मैं उसके कसूर की सजा खुद को दूंगा, खुद को। सोनू कुछ तो इंतजार किया होता। मैं क्या जवाब दूंगी उमा को कि मैं उसके प्यार को नहीं बचा पाई। मतलब उसका नाम सोनू। सोनू, सोनू ये क्या किया? इसको पता चला कि तुम आ रही हो तो इसने अपने हाथ की नस काट ली। सोनू सोनू, तुमने क्या किया? नहीं तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सोनू आप तो डॉक्टर है ना, देखिए ना सोनू को ठीक कर दीजिए ना प्लीज। अरे इसने तो बड़ी खतरनाक नस काट ली। सोनू मैं तुम्हारी मोहब्बत को सलाम करता हूँ, विश्वास करना मैंने उमा को आज तक जी भर के देखा भी नहीं। ये कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी है। पापा। बेटा एक बार और बोल। पापा मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। उमा के लिए मैंने इस पर शक करके बहुत बड़ी गलती करी। चाहे मेरी सारी दौलत रुक जाए, मेरे बेटे को बचा लो। मुनीम जी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर तो मैं भी हूँ, अभी देखता हूँ। नस ज्यादा कट गई, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सारी फैसिलिटी होती है हॉस्पिटल में। चलो अस्पताल।
उमा, जब मैंने तुम्हें बुलाया तुम आई नहीं, तो मैंने शराब का सहारा ले लिया जबकि तुम मजबूर थी। ये सच्चाई जानकर अब मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। डॉक्टर साहब, उमा से तो तुम्हारी शादी हो चुकी है। मेरी थी ही कब, उमा तो पहले से ही सोनू की है। तुम्हारे जैसे धक्कड़ास की इस धरती पर बार बार जन्म नहीं लेती। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। भगवान के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। तुम दोनों की धाकड़ास की हमेशा मर रहेगी। तुम हो मेरे सनम, सोचा तो यही था यही था। तुम हो मेरे सनम, तुम हो मेरे सनम, सोचा तो यही था यही था। हो गए हो जुदा तुम मुझसे जुदा, ऐसा क्या हुआ। तू माने या न माने बस तेरी खता रही है। तू माने या न माने बस तेरी खता रही है। ना है मेरी खता और ना है मेरा कोई कसूर। ना है